টিবিটিএল কর্পোরেট অফিসের কনফারেন্স হলে ডিজিটাল লাইব্রেরির উদ্বোধন করেন বিদ্যুৎ দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যুৎ নিগমের এমডি বিশ্বজিৎ বসু, টিবিটিএল এর জেনারেল ম্যানেজার রঞ্জন দেববর্মন। ডিজিটাল লাইব্রেরি হলো যেখানে সব তথ্য ডিজিটাল ফরম্যাটে সংরক্ষণ করা হয়, সাধারণ লাইব্রেরিতে ছাপার কাগজ বা অন্যান্য মিডিয়ার মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয়। সেখানে ডিজিটাল লাইব্রেরিতে সফট কপি সংরক্ষণ করা হয়। টিবিটিএল এর ডিজিটাল লাইব্রেরিতে বিস্তারিতভাবে সংরক্ষিত আছে উচ্চ ক্ষমতা পরিবাহী লাইন এবং এক্সট্রা হাই ভোল্টেজ সাবস্টেশনের বিভিন্ন ধরনের কারিগরি তথ্যাদি, ড্রয়িং, ম্যানুয়াল এবং ছবি সহ বিভিন্ন টেকনিক্যাল কাজের গাইডলাইন। টিবিটিএল কে দ্বারা দো প্রোগ্রাম এক সাথ অর্গানাইজ কিয়া গয়া হ্যায়, এক জো অভি রিসেন্টলি প্রোগ্রাম মে ডিভাস্টেটিং ফ্লাডস আয়া থা, উস ফ্লাডস মে टीपीटीएल की तरफ से ऑलरेडी ऑफिशियली तो हम लोगों ने योगदान दिया ही है, रिस्ट्रक्शन करी है, लेकिन मानवीय आधार पर उनके द्वारा एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए टीपीटीएल के सभी एम्प्लॉइज के और ऑफिसर्स के द्वारा सीएम रिलीफ फंड में कंट्रीब्यूशन आज दिया गया है, जो मुझे हैंडओवर किया गया है और जिसको मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लेके और सभी लोगों के प्रतिनिधित्व के साथ हम लोग उनको जमा करके, और मेरा मुझे लगता है कि मेनी ऑफ द डिपार्टमेंट जो भी है उसमें ये एक उदाहरण का स्वरूप था और ये दिखाता है कि हमारे जो टीपीटीएल के जो भी ऑफिसर और स्टाफ वो उनका जो अप्रोच है वो अपने ड्यूटी के साथ ही साथ त्रिपुरा के सिटीजन के साथ सभी के साथ खड़े हैं। इस डिवर्सिटी फ्रंट में बहुत लोगों की जान भी गई है, बहुत लोगों का लॉस भी हुआ है, प्रॉपर्टी का लॉस, हम लोग जान भी जिनकी गई उनको वापस नहीं ला सकते, लेकिन ये प्रयास है कि किस तरह से जिन लोगों को लॉस है, मॉनिटरी लॉस है या अन्य लॉस है, उनको किस तरह से हम लोग सीएमटी फंड के माध्यम से अपना एक कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। इसके साथ ही आज डिजिटल लाइब्रेरी का भी लॉन्च किया गया है और मुझे बहुत खुशी है कि इस तरह का एक प्लान और प्रोजेक्ट लिया गया है टीपीटीएल के द्वारा।